सभी भाइयों को राम राम जी, नमस्कार। आज एक बार फिर से राज डेयरी फार्म से जो HF नस्ल की जो गायें हैं, कुछ इसमें पहले ब्यांत की है, कुछ दूसरे ब्यांत की है, जो जा रही है महाराष्ट्र में जा रही है, पूना और इंदापुर में। तो भाई साहब ने ऑनलाइन ख़रीदी है ये सभी गायें। तो देखें सामने राज डेयरी फार्म, आप देख पा रहे होंगे जी। तो हर जो गाय का जो रेट है, लगभग सभी ग्याबिन गायें हैं, क्योंकि ग्याबिन गायें जो लेना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जाके सेट हो जाती है सभी गायें। तो ये देखो जी, हम किसान भाइयों से लेके आए हैं, ये फलाने सीमन की है, ये AVS की है, फला है, दिकड़ा है। देखो, हमको कुछ मालूम नहीं उसके बारे में, लेकिन जो ब्रीड है गायों की, वो देखने वाले भाई कमेंट में आप ज़रूर बताएं, अच्छी गायों की है, अच्छी ब्लड लाइन की जो गायें हैं उन्हीं की ये सभी बछड़ियाँ हैं। ये पहले ब्यांत की बछड़ी देखें, फुल हाइट लंबाई ऊँचाई की। लगभग जो रेट है इन गायों का, 55,000 से लेकर 75,000 रुपये तक की ये सभी गायें हैं, जिसमें 20, 22, 25 लीटर दूध की ये गायें हैं। ये नहीं बोलेंगे भाई 30 देगी, 35 देगी, क्योंकि महाराष्ट्र में जाके ऐसा बोलना भाई ठीक नहीं है, क्योंकि लगभग 1800-2000 किलोमीटर का जो सफ़र तय करके अगर गायें 20, 22 लीटर दूध भी वहाँ पे जाके निकाल देती है, तो अच्छी गायें मानते हैं भाई साहब। हम भी जानते हैं, ये भी आखिर पशु है, 5 दिन का जो सफ़र है तय करने में, लेकिन अगली बार जिस टाइम पे ये गायें बच्चा देगी, तो हम उम्मीद कर सकते हैं इन गायों से भाई 30 लीटर दूध निकाल देगी। लेकिन अब की बार 20, 22, एक दो गायें हैं जो 25 लीटर दूध तक भी चली जाएंगी। ये देखें, प्योर HF नस्ल की बछड़ियाँ हैं, जैसे फर्स्ट बार की बछड़ी है, पूरी हाइट लंबाई ऊंचाई की बछड़ी है जी। ये देखें, अभी 6 महीने की प्रेग्नेंट है। ये बछड़ी दी है भाई साहब को 70,000 रुपये की जी, और ये बछड़ी दी है 62,000 रुपये की, फर्स्ट बार की है, और अभी 1 महीना लगभग बाकी है। और ये भी पहले ब्यांत में जो बछड़ी बच्चा देगी, देखें प्योर जो नस्ल। कमेंट में जो देखने वाले भाई है, जो HF के जो जानकार है, वो कमेंट में आप ज़रूर बताएं भाई गायें कैसी है। और ये गायें दी है भाई साहब को 70,000 रुपये की, ये गायें दी है जी 75,000 रुपये की, 7 महीने की ग्याबिन है, 10-11 लीटर दूध अभी भी दे रही है जी। ये देखें, 75,000 रुपये की ये गायें दी है भाई साहब को। और इससे आगे फिर ये बछड़ी दी है जी 57,000 रुपये की, ये देखें प्योर HF की। और आज से आगे फिर एक और बछड़ी है जी, ये फर्स्ट बार में बच्चा देगी, ये बछड़ी दी है 68,000 रुपये की जी। तो राज डेयरी फार्म, गांव मिंगनीखेड़ा, डिस्ट्रिक्ट हिसार, हरियाणा से ये जो पशुधन आज से लोके गाड़ी अभी आ रही है, थोड़ी गाड़ी लेट होगी जी, अभी थोड़ी देर बाद लोडिंग करेंगे यहाँ से। और ये जो भैंसे हैं, एक ये भैंस और एक ये बुल, ये जाएगा डोंड से लेके जाएंगे। अगली गाड़ी की खरीद चालू है, जिसमें एक ये क्रॉस की गाय है, दो जो साहिवाल नस्ल की गायें हैं, ये जाएगी सांगली में, कोल्हापुर और सोलापुर के पास में सांगली में। तो लगभग 4-5 पशु अगली गाड़ी के भी लगा बुक हो चुके हैं। तो 3, 6 और 7 तो ये बछड़ियाँ, और एक उधर खड़ी वो 8 आज लोड करेंगे इस गाड़ी में। तो ये जारी है राज डेयरी फार्म से बिके महाराष्ट्र में। और क्योंकि जी देखो, दूध कई भाई बोलते हैं भी देसी गायों को बढ़ावा दे, तो हम मानते हैं जी देसी गायों का जो दूध है बढ़िया है जी इन गायों से, लेकिन जो नकली दूध है आजकल जो मार्केट में, उससे बढ़िया कहीं ना कहीं इन गायों का दूध अच्छा है। क्योंकि हर जगह जो अपनी वो गायें हैं देसी कामयाब नहीं है जी, जो हरियाणा में हम जो एनवायरनमेंट दे सकते हैं इन गायों को, वो कहीं भी नहीं दे, कहीं नहीं मिलता। हरियाणा, राजस्थान, जो पंजाब का जो एरिया है, इन गायों में जो इधर क्यों खाने पीने का, और जन्म से इधर जो पली बड़ी है ये गायें, तो इधर ही इनको जो ऐसा इन्वायरमेंट मिल सकता है। इसके अलावा हम भी देखो काम करते हैं, लगभग महाराष्ट्र का सबसे ज़्यादा काम है, और भाइयों से हमारे पास जो रिव्यू आते हैं बाद में जो गायें पहुंचने पर, तो मिलता जी फीडबैक उन भाइयों का भी, इधर जो दूध निकालती है वैसा 2-3 लीटर कम ही निकालती थी उधर जाके। और तो आज राज डेयरी फार्म से ये सेल होके जा रही है इंदापुर, और लास्ट का जो स्टॉपेज रहेगा इनका डोंड का, डोंड से इंदापुर जाएगी। तो भाई साहब ने ऑनलाइन ख़रीदी है सभी जो गायें हैं, और पहले टोकन डाला भाई साहब से, एक हफ्ते का टाइम लिया, हर गाय का जो वीडियो लिया, वीडियो डाला उनके व्हाट्सएप नंबर पे, जौन सा भाई साहब ने पसंद किया वही उनके पास में ये जारी है। और एक ये जो बुल है, एक ये भैंस है, ये जाएगी मुंबई, जो पीछे भाई साहब आए थे 10 भैंस लेके गए थे आज से 2-3 महीने पहले, तो उनको अभी जो
सभी भैंसे 11 होने के नज़दीक है, तो इसी कारण उन्होंने ये बुल भी परचेज़ किया है राज डेयरी फार्म से। तो फुल सर्विस स्टार्ट बुल है आज, ये सभी गायें राज डेयरी फार्म से सेल आउट होके इंदापुर महाराष्ट्र में जो HF गायें जा रही है जी। तो कैसा लगा छोटा सा वीडियो राज डेयरी फार्म से, और ये साहिवाल गायें ये जाएगी नांदेड़ महाराष्ट्र में ही, दो साहिवाल ये गायें आ गई है जी, और कुछ वो जब मिला जुला के एक गाड़ी हो जाएगी। तो किसी भाई साहब को एक दो पशु भी लेना हो राज डेयरी फार्म से तो आप फ़ोन कर सकते हैं कभी भी, तो आपको मिल जाएगा, हर गाय भैंस का वीडियो डाल देंगे। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में आप ज़रूर बताएं, छोटा सा राज डेयरी फार्म से। सभी भाइयों को राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल।